Hey guys, what's up? I hope you all are doing absolutely fine. This is Bone Biker. Welcome back to my YouTube channel. And guys, आज मैं आ चुका हूँ second hand car market में, जो कि चंडीगढ़ में पड़ती है. और ये चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड चौक, आपको पता होगा, उसके लेफ्ट साइड में पड़ती है. टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सुबह 7 बजे 8 बजे से लग जाती है, जो कि शाम के 7 बजे तक लगी रहती है. तो मैं अभी आपको कुछ गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ यार, बहुत, जो मतलब आपको काफ़ी कम कॉस्ट में क्वालिटी वाली गाड़ी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे अगर आप विजिट करते हो. तो अभी मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ. अभी यहाँ पे अपने को मिले हैं अंकल जी. नाम क्या अंकल जी आपका? जोगिंदर पाल. तो ये है जोगिंदर पाल जी, और मैं भी आया हूँ कार होम में. यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ है जो कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है. अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी गाड़ी कितने कितने प्राइसेस में आपको मिल जाएंगी. तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, अगर बात की जाए, ये है अपनी जैज है, मैं आपको अभी गाड़ी दिखाने वाला हूँ. तो यार आप इंटीरियर देख सकते हो यहाँ पे इस गाड़ी का, मतलब बिल्कुल क्लीन गाड़ी है, टोटली क्लीन गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हो. अंकल जी, कितने किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी? 58,000 किलोमीटर चली हुई है. और जेन्युइन, मतलब कोई इसमें, मतलब ये लगा लो कि आपको कोई टेम्परिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंजन की बात की जाए तो आपको बिल्कुल जेन्युइन इंजन मिल जाएगा. और आस्किंग प्राइस कितना है अंकल जी यहाँ पे? 5.25 लाख. तो अगर इसकी आस्किंग प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे 5,25,000 रुपीज़ में मिल जाएगी. और डीजल वर्जन है ये, 2015 मॉडल है. और थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी हो जाता है, तो डिस्काउंट हो जाता है जैसा भैया बता रहे हैं. मतलब जब भी आप आओगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है भैया के मूड पे और आपके नेगोशिएशन के ऊपर. तो यार जो भी आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो, ये है फॉर्च्यूनर 2011 मॉडल है ये. और अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो मैं अभी आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि कैसा है. और प्राइस की भी मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ. तो अभी आपको इंटीरियर दिखाता हूँ पहले इसका कैसा है. यार गाड़ी बाहर से तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब जैसा आप देख सकते हो. तो यार जैसा कि आप देख सकते हो इंटीरियर, मतलब यार, मतलब बिल्कुल क्लीन गाड़ी है ये. और 2011 मॉडल है इसका. पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर. लाइक 6 सीटर गाड़ी है ना ये? Yes, 7 सीटर. तो यार ये गाड़ी 7 सीटर गाड़ी है और HR नंबर गाड़ी है, HR 70. भैया जो आपने अभी ये फॉर्च्यूनर दिखाई, ये कितनी चली हुई है अभी? ये 170 चली है. 170. तो यार ये 1,70,000 चली है. ये 2011 मॉडल है ना? थी 11 मॉडल. और आस्किंग प्राइस कितना है इसका? 11.5 लाख. 11.5 लाख. तो यार 11.5 लाख आप भैया बता रहे हैं कि इसका आस्किंग प्राइस है, तो नेगोशिएशन हो जाएगा थोड़ा? हाँ हो जाएगा. तो अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आओगे तो आप भैया से मिल सकते हो और यहाँ पे आपको नेगोशिएशन हो जाएगा. और आपके मूड, मतलब ये लगा लो कि आपकी नेगोशिएशन पावर पे डिपेंड करता है और भैया के मूड पे डिपेंड करता है कि आप कितना करवा सकते हो नेगोशिएशन. तो मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है, आ सकते हो आप यार, बहुत अच्छी गाड़ी है. सो गाइज, ये आपको मैं, निखिल भाई है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे. सो जी गड्डियाँ इतने आनी है ना यार, एक्चुअली ये सारी साड़ी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है भाई. जिवें कि कोई भी, कोई जिम्मे कोई, तुसी कोई गड्डी ले रहे हो, जे कल उस च कोई निक नुक्स निकल जाए, ठीक है, या फिर कोई चोरी चकारी दी होवे, तो साडी जिम्मेवारी होएगी कि इत्थे जिहड़ी गड्डी आई उहदे डॉक्यूमेंट तुहानू पूरे मिलणगे. तो यार अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है सफारी स्ट्रोम और 16 मॉडल वेरियंट है ये. इसका डीजल है, पेट्रोल है. तो ये गाड़ी डीजल वेरियंट में है अवेलेबल, जो यहाँ पे कार बाजार में अवेलेबल है. और इसका प्राइस की बात की जाए तो भैया आपने कितना प्राइस बताया इसका? कितना प्राइस बताया भैया आपने? 7.25. तो यार भैया बता रहे हैं इसका 7,25,000 रुपीज़ आस्किंग प्राइस है. फिर से मैं आपको वही बोलूँगा कि नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, आपको कम हो जाएगी. 73,000 चलिए जी. तो जैसा गाड़ी है, 2016 मॉडल है जी. तो जैसा भैया बता रहे हैं 73,000 किलोमीटर ही अभी गाड़ी चली है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है. और नए टायर हैं, अलॉय पड़े हैं जी, टोटली मतलब न्यू. इसमें कोई पैसे लगाने की खर्चा नहीं, जरूरत नहीं, मतलब जैसे ही आप गाड़ी लेते हो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा. आपको बिल्कुल टोटली रेडी गाड़ी मिलेगी. डीजल पावर सिर्फ चलाओ बस. तो देख लो भैया क्या बता रहे हैं कि आप सीधा डीजल डलवाओ और गाड़ी चलाओ. तो मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ एक बार इसका, गाड़ी का सफारी का कैसा है. तो यार जैसा आपने देखा, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा इंटीरियर है गाड़ी का, बिल्कुल ऐसा क्लीन और नीट गाड़ी पड़ी है. तो बहुत अच्छी गाड़ी है. और टायर्स देख सकते हो आप यार, बिल्कुल टोटली न्यू टायर्स हैं.
अलॉयज भी मतलब यार कितने अच्छे अलॉयज एंड टायर्स है। तो यार i20 की आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, छोटी गाड़ियों में i20 होगी, स्विफ्ट होगी, तो आपको इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो मैं आपको अभी एक i20 दिखाने वाला हूँ, ये रही है i20, एक HR नंबर गाड़ी है, HR 49 है इसका नंबर। और अभी इसका मैं दिखाता हूँ और इसकी प्राइस की बात करता हूँ भैया से कितने की पड़ रही है गाड़ी। और यार ये i20 स्पोर्ट्स मॉडल है। तो यार आप इसका इंटीरियर अभी देख सकते हो कि कैसा इंटीरियर है, बिल्कुल नीट गाड़ी है। तो यार बिल्कुल नीट गाड़ी है ये, जैसा कि आपने देखा। एक बार इंजन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंजन कैसा है। तो यार जो अभी आपने i20 देखी है, 2017 मॉडल i20 है, और अभी आपने इंजन भी देखा इसका। और बात की जाए अगर ये चलने की, तो ये अभी अप्रोक्सीमेटली 31,000 बताइए ना शायद, तो 31,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली है। और डिमांड की बात की जाए तो यार यहाँ पे ये 6,10,000 रुपये मांग रहे हैं, और नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है ये भी कि कितने की आपको मिलेगी। पता क्या है, अगर तो बंदा है तो हम जैसे बहुत डिस्काउंट दे देते हैं, काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, ऐसे नहीं कोई 5-10 हज़ार का, 20-30 हज़ार 50 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल जाता है हर एक गाड़ी में। अगर यहाँ पे जो भी गाड़ी अवेलेबल है टोटली रेडी कंडीशन में है, बस आपको ऑयल डालना है और आपको गाड़ी चलानी है। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो यार आपको टोटली जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन मिलने वाली है, जैसा कि भैया ने अभी बताया, मतलब सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको टोटली जेन्युइन मिलने वाले हैं। तो आप आ सकते हो, गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है मेरे को। तो यार मेरे पीछे अभी जो गाड़ी खड़ी है वो है स्विफ्ट 2011 मॉडल है। वेरियंट की बात करूँ तो यार डीजल वेरियंट गाड़ी है ये, और 2011 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो यार ये 67,000 किलोमीटर अभी गाड़ी चली है, और मैं आपको अभी इसका इंटीरियर दिखाता हूँ एक बार, आस्किंग प्राइस बताता हूँ कितना है इसका, और बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी। स्विफ्ट जो मैंने आपको दिखाई यार पंचकुला नंबर गाड़ी है, HR 03, मतलब लोकल हो आप चंडीगढ़ से हो तो आपके लिए तो बेस्ट है ये गाड़ी है। तो यार भैया ये जो आपने स्विफ्ट अभी मैंने देखी है कितने में, इसका आस्किंग प्राइस कितना है? 3.5 लाख। तो यार जो आपने अभी गाड़ी देखी 2011 मॉडल और डीजल वेरियंट है ये गाड़ी, भैया ने इनका प्राइस बताया 3,50,000। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर मिल जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो सारे हम कंप्लीट करा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी कंप्लीट करा के दोगे है ना, नेगोशिएशन हो जाएगा। तो यार पसंद करो सब मिलेगा, बस जैसा कि भैया बता रहे हैं, बस आपने गाड़ी पसंद करनी है, गाड़ी सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है, और नेगोशिएशन भी आपको हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आ रहे हो। फैमिली गाड़ियों की अगर बात की जाए तो इनोवा मतलब बेस्ट गाड़ी है, और आपको मैं अभी एक इनोवा गाड़ी दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली 2009 मॉडल गाड़ी है जो आप देख रहे हो अभी मेरे पीछे, डीजल में ये गाड़ी अवेलेबल है, स्क्रैचेस वगैरह मेरे को दिखाई नहीं दे रही है इतनी। तो फैमिली ट्रिप के लिए यार बेस्ट गाड़ी है इनोवा, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ। और अप्रोक्सीमेटली कितना आपने बताया कितनी चली हुई है ये गाड़ी अभी? ये 70-75 हज़ार चली हुई है। तो यार ये गाड़ी जैसे ये बता रहे हैं भैया कि 70-75 हज़ार ही चली हुई है, मतलब अगर आप इनोवा की बात की जाए तो यार इनोवा मतलब आपको पता ही होगा कि 70-75 हज़ार कितना ही है, मतलब ये गाड़ियाँ 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चल जाती है तब भी इनका कुछ नहीं होता। तो मतलब कंडीशन और प्राइस के मामले में बेस्ट गाड़ी अवेलेबल है यहाँ पे। कितने में, कितनी बता रहे हो प्राइस इसका? 45 मांग रहे हैं। तो यार प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे 5,40,000 रुपीज़ इसकी आस्किंग प्राइस है, और सब कुछ नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, आपकी नेगोशिएशन कितनी अच्छी है तो कम हो जाएगा जरूर, डेफिनेटली कम होगा। इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको अभी इसका कैसा है एक बार। तो यार CH नंबर गाड़ी है, चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है, लोकल नंबर गाड़ी है, तो यार बेस्ट है यार ये गाड़ी। तो यार अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है चंडीगढ़ नंबर i20 गाड़ी है, अगर इसके चलने की बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर अभी तक चली है, और प्राइस की बात की जाए तो ये 2,10,000 रुपीज़ इसकी आस्किंग प्राइस है, और 2009 मॉडल है,
गाड़ी ये कार होम्स फर्म है कि यहाँ पे उनकी है ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी मैंने आपको दिखाई है। तो एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ मैं इसका अलॉय और टायर्स की बात की जाए तो यार टोटली नए का टायर्स लगे हुए हैं अभी इस पर। और यार यहाँ पे जितनी भी गाड़ी आई आप ये सोच रहे हो कि यार बहुत टाइम तक रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज गाड़ी आई अगले हफ्ते या एक हफ्ता मैक्सिमम टाइम है, एक हफ्ते के अंदर सारी गाड़ियाँ चली ही जाती है। तो जल्दी से अगर आप देख रहे हो वीडियो तो जल्दी से कॉल करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लोकेशन चेक करो और जल्दी से आओ मार्केट में और गाड़ियाँ लेके चले जाओ। तो गाइस जो भी आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो ये है स्कॉर्पियो, HR नंबर है गाड़ी, HR 72। और अगर इसकी मॉडल की बात की जाए तो यार ये 2012 मॉडल गाड़ी है। आस्किंग प्राइस की बात की जाए तो यार 6,50,000 रुपीज़ यहाँ पे डिमांड हो रही है। और बड़ी गाड़ियों की बात की जाए तो यार यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ बहुत कम कॉस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो यार न्यू की बात की जाए तो यार अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपीज़ इसकी प्राइस होगी और आपको यार यहाँ पे 6,50,000 रुपीज़ आस्किंग प्राइस है। और मतलब ये आप नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है आपकी कि नेगोशिएशन पावर आपकी कितनी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन एंड काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाएगा अगर आप कार बाज़ार मार्केट में आपको संडे को लगती है ये मार्केट आते हो। मैं आपको अभी इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर कैसे है और देखते हैं अभी। तो यार जो आज आपने मार्केट देखी ये थी अपनी चंडीगढ़ की, संडे को ये मार्केट लगती है, कार बाज़ार मार्केट इसको बोलते हैं। पहले ये मार्केट यार शायद बल्टाना में लगती थी ना? नहीं, पहले ये 7 सेक्टर लगती है। पहले यार ये मार्केट 7 सेक्टर लगती थी, यहाँ पे कब से लग रही है ये? अभी इसे 3-4 महीने से लग रही है। तो यार 3-4 महीने से गाड़ी मार्केट लग रही है। और ये हाउसिंग बोर्ड जो चौक है अपना पंचकूला में उसके लेफ्ट साइड में लगती है, संडे टू संडे ये मार्केट लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बूम।